ये बिहार है बाबू, मरने के बाद भी उसूले जाते हैं पैसे। बेटे का शव पाने के लिए मजबूर माता पिता का भीख मांगने का वीडियो वायरल। सरकार द्वारा लाख दावे करने के बावजूद बिहार में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का सिलसिला लगातार जारी है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की रिश्वतखोरी के समाचार न प्रकाशित होते हों। अब तो बिहार में हद हो गई है। आपने ठीक सुना, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों का तो पोल खुल रहा है, पर पैसे मांगने का सिलसिला थम नहीं रहा। बिहार का एक ऐसा मामला सामने आया है जो सबको झकझोर कर रख दिया है। मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल से है, जो घटना पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाली है। घटना समस्तीपुर सदर की है, जहां एक माता पिता को पोस्टमार्टम घर से शव पाने के लिए भीख मांगनी पड़ी है। आरोप है कि पोस्टमार्टम कर्मी ने शव देने के एवज में 50,000 रुपये रिश्वत मांगी है। माता पिता का भीख मांगने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 7 जून की बताई जा रही है। ये मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के कस्बे आहारा का है। महेश ठाकुर का मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्र 25 मई को लापता हो गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। इस बीच 7 जून को परिजन को पता चला कि मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में एक शव मिला है। परिजन अब मुसरी घरारी थाना पता लगाने पहुंचे तो उन्हें शव सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम घर में बताया गया। जब अपने पुत्र का शव लेने माता पिता सदर अस्पताल पहुंचे तो वहां के पोस्टमार्टम कर्मी ने शव दिखाने से इनकार कर दिया। काफी मिनटों के बाद शव जब दिखाया तो पिता ने अपने पुत्र संजीव ठाकुर को पहचान लिया। मृतक के पिता ने शव देने की गुहार पोस्टमार्टम कर्मी नागेंद्र मल्लिक से की। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने शव देने के बदले 50,000 रुपए की मांग कर दी। पिता ने खुद को गरीब परिवार का हवाला देकर शव देने की गुहार की, लेकिन नागेंद्र मल्लिक का दिल नहीं पिघला। अंत में लाचार माता पिता रुपए जुटाने के लिए मोहल्ले में भीख मांगने लगे। भीख मांगने का वीडियो किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की नींद टूटी और आनन फानन में शव वाहन से लाश को माता पिता के घर भेज दिया गया। वहीं इस मामले में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने बताया कि शव पाने के लिए माता पिता के द्वारा भीख मांगने की घटना सामने आई है। इसको लेकर जांच टीम का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आरोपी पोस्टमार्टम कर्मी ने रुपए मांगे होंगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम डिमांड नहीं की होगी। यह शर्मनाक घटना है। जांच के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट।